तो अब वो दिन आ ही गया है जिसे सुनना किसी भी आर्मीज को पसंद नहीं है। और आप सब तो अच्छे से जानते ही हो कि आपको क्या सुनना पसंद नहीं है, बीटीएस की मिलिट्री सर्विस में जाने की न्यूज। लेकिन आप सब तो जानते ही हो कि साउथ कोरिया का रूल ही है कि कोरिया का हर एक पर्सन मिलिट्री ज्वाइन करेगा, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, उसे मिलिट्री ज्वाइन करनी ही पड़ेगी। कोरियन पीपल को मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करने के लिए एक ही वजह काफी है कि वो कोरिया से बिलोंग करते हैं और वो एक कोरियन पर्सन है। आप सब तो जानते ही हो कि काफी दिनों से साउथ कोरिया के पार्लियामेंट में बीटीएस के मिलिट्री में जाने की ही बातें चल रही हैं। हालांकि अब इस टॉपिक पर फाइनल डिसीजन ले लिया गया है कि क्या बीटीएस मिलिट्री में जाएंगे, क्या वो मिलिट्री सर्विस पूरा करेंगे। तो हाँ, बीटीएस मिलिट्री सर्विस में जाएंगे और वो दूसरों की तरह ही मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करेंगे। और जब भी उनका कोई भी कंसर्ट होगा तो उन्हें कुछ टाइम के लिए मिलिट्री सर्विस से ब्रेक मिल जाएगा और वो उस कंसर्ट को अटेंड कर पाएंगे। काफी सारी आर्मीज बहुत ही ज्यादा खुश है कि बीटीएस मिलिट्री ज्वाइन करने के बाद भी कंसर्ट कर सकते हैं और वो आर्मी से मिल भी सकते हैं। लेकिन काफी सारे आर्मीज ने जब इस सब को बहुत ही ध्यान से सुना और समझा तो उन्होंने देखा कि इस सिक्के के तो दो पहलू हैं और वो सिर्फ एक ही पहलू को देख पा रही हैं, जिसमें बीटीएस मिलिट्री के साथ साथ कंसर्ट कर सकते हैं और वो आर्मी से मिल सकते हैं। लेकिन उन्होंने जब दूसरे पहलू को देखा तो वो बहुत ही ज्यादा चौंक गई। उन्होंने नोटिस किया कि इस सिक्के के दूसरे पहलू में तो बीटीएस को डबल काम करना पड़ जाएगा और वो बहुत ही ज्यादा टायर्ड भी हो जाएंगे। आप सब भी सोचो कि जब भी बीटीएस को मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करने के लिए कहा जाएगा तो वो मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करेंगे और उन्हें जब कहा जाएगा कि कंसर्ट करो तो वो कंसर्ट भी परफॉर्म करेंगे। इस तरह तो बीटीएस एक बार में डबल काम करके तो थक ही जाएंगे और वो कुछ कह भी नहीं सकते हैं। हालांकि बीटीएस आर्मीज को ये समझते देर नहीं लगा कि साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ये सब पैसों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो बीटीएस को मिलिट्री में भेजकर अपना पुराना ट्रेडिशनल भी फॉलो कर रहे हैं और उसे तोड़ भी नहीं रहे हैं और वो बीच बीच में बीटीएस का कंसर्ट कराकर उससे आने वाले पैसों को भी ले रहे हैं। आर्मीज हमेशा चाहती है कि उनके फेवरेट केपॉप आइडल बीटीएस हमेशा खुश रहे और वो हेल्दी रहे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद बीटीएस एक अच्छी लाइफ जी नहीं सकते हैं और वो हेल्दी रह नहीं सकते हैं, इसीलिए तो वो बीटीएस से एक टाइम में डबल काम करवा रहे हैं। वैसे आर्मीज, आप सबको इस पे क्या कहना है कि बीटीएस को मिलिट्री जानी चाहिए या फिर नहीं, आपका इस पे क्या कहना है मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और जाने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहे। मिलती हूं मैं आप सबसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।